पकड़ा था ना, कैसे पकड़ा था? मैं छोटा था तो ऐसे पकड़ता था, ऐसे करके। और देखो मेरा बलून को भी दिखा दो, बलून को भी देखो, अपना अपन उड़ रहा है, हवा चल रहा है ना इसलिए उड़ रहा है बेटा, अपने आप उड़ रहा है, अपने आप उड़ रहा है, देखो ना दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं मोनू के साथ में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इतना छोटा था, हां इतना मुन्नी सा, मैं सुनाता था तू, मच्छर मच्छर मच्छर, बाप रे मच्छर, तो मारू बक टक टक भगा दिया उसको। तो मोनू पूछ रहे हैं दोस्तों, मम्मा मैं छोटा था तो कैसे पकड़ते थे मेरे को, बता रही ऐसे पकड़ते, मेरा बालून नहीं भागा गो बेटी तेरा। और बलून उड़ा रहे हैं अभी। और दोस्तों मैं अभी रूम क्लीन करूँगी, सुबह हो रहा है अभी, और आलू बॉइल कर रही हूँ। आज मैं आलू और सोयाबीन की बड़ी बनाऊँगी सब्जी में, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी मेरा रेसिपी। तो क्या है, इंडक्शन में बनाते हैं तो कोशिश करते हैं जल्दी खाना बन जाए, इसको ड्यूटी भेजना रहता है मेरे को सुबह, और दोपहर का खाना मैं नहीं देती। मैं छठा था ना, किसी को सो गया था। छोटा था तो तेरे को याद है, तो बहुत बदमाशी करता था, तेरे को याद है? हाँ। मेरे को वीडियो शूट नहीं करने देता था, याद है? हाँ। वो क्यों याद नहीं रहेगा, उत्पात होता था बहुत ज़्यादा, याद है? हो गया। ब्रर। ले ऐसे नहीं करते, कैमरा पर कैसे दिख रहा है कैमरा गंदा दिख। दोस्तों काम करते हैं आज, क्या क्या काम करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। भजिया बना देना मेरे लिए, भजिया। ये सोनू बेटे भजिया खाए करे, भजिया बना देना। वो पहले नानी घर गए थे ना, उधर भजिया खा रहा था ना, उसे बोला बनाना। नानी घर गए थे वैसे वाला, हाँ। तो नानी घर में भजिया खाया है दोस्तों, तो उसको याद कर रहे हैं मोनू, नानी को अपने और भजिया को भी याद कर रहा है ना मोनू। भजिया को नहीं याद कर रहा हूँ। किसको याद कर रहे थे? नानी को। नानी को याद कर रहा है, देख रहे हो मेरा बेटा को नानी को याद आ रहा है रे। वो वाला घर जाएंगे? वो वाला घर हम लोग नहीं जा सकते ना बेटा, अभी काम करने के लिए इधर आए हैं, अभी चले जाएंगे तो फिर नहीं। वो वाला घर मोनू को अच्छा लगता है दोस्तों, नानी घर, लेकिन क्या करें इधर तो काम करना है ना, उधर कोई काम नहीं है ना बेटा, पैसा कहाँ से मिलेगा, फिर क्या खाएंगे? पैसा मिलेगा उधर, कहाँ से मिलेगा, आएगा पैसा कहाँ से बता? आइटम से। आइटम से? हाँ। ले बता, सही सही बता। आइटम से आएगा पैसा। आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों, बोल वीडियो में, तब वीडियो का पैसा आएगा, हम लोगों को डॉलर बोल दे। वीडियो को पार्सल करना, वीडियो को पार्सल करना, पार्सल करना नहीं, सपोर्ट करना दोस्तों, सपोर्ट करना, फिर हम लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा हम लोग को, फिर हम लोग नानी घर में रहेंगे, नानी घर में रहेंगे। हाँ। टिंग टिका लाइक करना दोस्तों, बोले लाइक करना, शेयर करना। हाँ। और हमारा वीडियो जरूर देखना बोले। हाँ जरूर देखा हमारा वीडियो। हाँ देखो दोस्तों, मोनू बोल रहे हैं हमारा वीडियो जरूर देखना। सो फ्रेंड देख लीजिए, ये मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि इसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद मैं बनाती हूँ पकौड़ी मोनू के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं। तो देख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, जिसके वजह से मैं एक एक बार खड़े भी हो जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और ये मोनू का बदमाशी देख लो दोस्तों, कितना ज़्यादा बदमाशी करता है, और मोनू क्या क्या बोलते रहते हैं वीडियो में, आप लोग हंसी आ रहा होगा ना, बच्चे का आवाज़ कितना प्यारा लगता है ना जब बात करते हैं बच्चे।
तो ये मैं पूरा रूम को पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम तक ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द आता है, वेट के वजह से दर्द आता है। तो मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि टेंशन डिप्रेशन के वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता है। किसी का भी नहीं हो पाता है, मेरा ही नहीं है, किसी का भी नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है इधर उधर काम काज। तो मैं सोच रही थी जिम ज्वाइन कर लूँ क्या दोबारा से, क्योंकि जिम जाऊँगी तो कम से कम एक रूटीन बन जाएगा, ऐसे सोच रही थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं जा रही हूँ नहा के कपड़ा सुखाने के लिए। तो ये काफ़ी पुराना वाला क्या बोलते हैं टॉप है जो कि मुझे रखा हुआ था, तो मुझे आ रहा था तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, आज पहन के देखती हूँ। तो ये थोड़ा टाइट हो रहा था तो मैं नहीं पहन रही थी, लेकिन अब ये मुझे आ जा रहा है, मतलब मैं थोड़ा पतली हो रही हूँ। तो ज़्यादा मेरा शरीर का वेट उतना है जितना था, बट ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें स्वेलिंग आता है बॉडी में, तो बॉडी मतलब काफ़ी ज़्यादा फुला फुला लगता है उसमें, अपना बॉडी जो सेफ रहता है वो बिगड़ जाता है ब्लोटिंग के समस्या से। तो देख लीजिए मोनू मेरे को एक एक करके कपड़ा देते जा रहे हैं और मैं सुखाते जा रही हूँ। तो वो हमेशा वैसे ही करते हैं, जब भी मैं जाती हूँ कपड़ा सुखाने के लिए तो वो हमेशा मेरे को बोलते हैं मम्मा मैं भी जाऊँगा, मैं भी सुखाने लगूँगा। और ये मेरे को देते जाते हैं और मैं सुखाते जाती हूँ, ऐसे ही हम लोगों का दिन गुजरता है क्योंकि मोनू के साथ ऐसे ही मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है दोस्तों। और ये सूट मैंने कल पहना हुआ था देख लीजिए शॉर्ट वाला, तो वही मैं सुखा रही थी। तो अभी मोनू फिर से पहले बड़ा बड़ा कपड़ा को दे रहे थे, फिर छोटा छोटा को दे रहे थे। तो ऐसे ही हम लोगों का टाइम पास हो जाता है दोनों माँ बेटों का। तो आप लोगों को हमारा रेगुलर वाला ब्लॉग कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना दोस्तों। और हमारे ये आशा रानी ब्लॉग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना दोस्तों, वहाँ भी हमारा वीडियो जाता है, देख लेना। तो देख लीजिए काफ़ी मोनू हेल्पफुल है मेरे लिए, हमेशा काम वाम करने लग जाते हैं। और ये देख लो मस्ती कर रहे हैं, आ रहे हैं मोबाइल को बंद करने के लिए। सो फ्रेंड हमारा कपड़ा वगैरह सुखाना हो गया है, तो मोनू अभी मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इसके लिए बेसन का पकौड़ी बना देंगी, और ये वाला लेके आए हैं अभी दुकान गए थे। तो अभी मोनू खाएंगे ना, मोनू भजिया बना रहा है। हाँ हाँ भजिया 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 बना, धनिया पत्ती डालो भजिया में। नहीं 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 तो इसको कुछ नहीं चाहिए, बस नमक मिलाई हूँ और इसमें सोडा मिला मिक्स कर, और क्या थोड़ा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है। मैं खाऊंगा बोलते नहीं ना, ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, इसको मिक्स कर लेते अच्छे से। सो फ्रेंड देख लीजिए मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो मैं अभी इंडक्शन को बंद कर दी हूँ क्योंकि तेल था और ज़्यादा अगर गर्म होता तो छींचा मेरे मुंह पे आता या हाथ पे लगता, उसके वजह से मैं तेल जैसे ही गर्म हुआ मैं इंडक्शन को बंद कर दी हूँ। फिर से चालू करूँगी जब यह पूरा डालने के लिए हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही ढीला कर दी जैसे लग रहा है मुझे। तो अजीब सा टेस्ट आ रहा था, बेसन अच्छा नहीं था, क्या अच्छा नहीं था नहीं पता मेरे को, लेकिन लाल लाल सा अजीब सा दिख रहा था। और कोई बात नहीं, एक अभी थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, और मोनूज के लिए ही बना दूँगी और उसके बाद मैं नड्डा छान दूँगी क्योंकि नड्डा भी लेके आई हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि जिद कर रहा था बार बार बोल रहा था भजिया खाऊँगा मामा भजिया खाऊँगा, तो उसके लिए भजिया बना देते हुए। फाइनली पकौड़ी को हम लोग हमारे लैंग्वेज में भजिया बोलते हैं। तो ये देख लीजिए बन चुका है और उसके बाद मैं ले आई हूँ और मैं और मोनू दोनों बैठ के खा रहे हैं अभी। तो हम लोगों का दिन ऐसे गुजरता है दोस्तों दोनों माँ बेटों का घर में, और क्या करेंगे। तो ये मेरा पैंट जो है थोड़ा टाइट हो रहा है क्योंकि ये वाला जिम वाला है मेरा, और इस समय क्या बोलते हैं मैं इसको काफ़ी दिन से नहीं पहन रही थी। पुराने कपड़े बहुत सारे हैं मेरे लेकिन मैं पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि वेट की वजह से मेरा मतलब कोई कपड़ा नहीं लग रहा, और एक तो गर्मी का दिन है तो मुझे लूज़ कपड़ा पहनने को मन होता है, मतलब टाइट वाला कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पहनने के लिए।
तो मोनू दिखा रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही थी इधर बैठ जाओ बेटा, पीछे करके मत बैठो, सामने तरफ बैठो। तो फिर वो बोल रहे थे ठीक है, और सामने तरफ हम लोग बैठ के दोनों खा रहे थे, और वो बोल रहे थे हाय हेलो दोस्तों। तो हमेशा वैसे ही बोलते हैं हाय दोस्तों हेलो दोस्तों बोलते रहते हैं कैमरे के सामने आके। तो मैं एक ही खाई, उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन सा उबासी सा लग रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, फेस ऑयली ऑयली दिख रहा है, माथे में कितना पसीना है आप लोग देख सकते हैं। तो पंखे में बैठे हैं फिर भी गर्मी गर्मी लग रहा है मेरे। और उसके बाद में थोड़ा सा खा के रख देते हैं दोस्तों, नहीं खा पाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और तो गर्म चीज़ खाने के लिए इच्छा नहीं होता है। और मेरा वेट लॉस चल रहा है, तो उतना ज़्यादा मैं खा भी नहीं रही हूँ इस बार, मतलब कम कैलोरी मेंटेन कर रही हूँ ना, तो कम कैलोरी ले रही हूँ मैं, और ज़्यादा तेला चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो वो क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा था, नड्डा अच्छा वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा था। और मैं कुछ बैठे बैठे सोच रही थी, फिर मैं मोनू को बोल रही थी बेटा जाओ मोबाइल को बंद करके आओ, फिर वो नहीं जा रहे थे मोबाइल बंद करने के लिए, तो फिर मैं खुद से चले जाती हूँ। तो ऐसे हम दोनों का दिन बीता, पता नहीं मैं खिड़की को देख के क्या ऐसा सोच रही थी, मैं खुद मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन कुछ तो मैं सोच रही थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।